संजीवनी नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि युवती का प्रेमी है। संजीवनी नगर थाने पहुंची युवती ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसका कई वर्षों से एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। इस दौरान उसका प्रेमी अक्सर उससे मिलने आता था और चोरी छुपे दोनों ही मिला करते थे। हर बार प्रेमी युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था, लेकिन प्रेमिका द्वारा शादी के बाद संबंध बनाने की बात कहकर टाला जाया करता था। देर रात भी जब उसका प्रेमी उससे मिलने पहुंचा, तो उसने एक बार फिर उसे शारीरिक संबंध बनाने की फरमाइश की और हर बार की तरह प्रेमिका ने शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने की बात प्रेमी से कही, लेकिन प्रेमी इस बार अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने को आतुर था, जिसको लेकर उसने शीघ्र ही युवती से शादी करने का वादा किया, लेकिन युवती ने तब भी युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रेमी आग बबूला हो गया और उसने जबरदस्ती युवती के साथ उससे शारीरिक संबंध बना लिए। घटना से आहत युवती अपने घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से करने का फैसला किया, जिसके बाद युवती ने संजीवनी नगर थाने पहुंचकर पूरी घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दैहिक शोषण का मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। थाना संजीवनी नगर में एक अपराध कायम किया गया है बलात्कार का, जो कि पीड़िता की ओर से ये कहा गया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ ऐसी घटना की गई, जबरदस्ती की गई। यानी कि उसने अपनी FIR में ये लेख कराया है कि उससे आरोपी से उसके पहले से प्रेम संबंध थे और एक रात को धोखे से उसने मना करने के बावजूद भी उससे शारीरिक संबंध जबरन बिना सहमति के स्थापित किए, इस प्रकार से अपराध कायम किया गया। आरोपी गिरफ्तार हुआ है, आरोपी पकड़ लिया गया।